हिमाचल से। चंदू माजरा साहब, इस तो पहला इस तरह के बयान नहीं सुनने आए, पर यह जो बयान ने फिलहाल इस पे तुसी की कहोगे, तुहाडा पहला रिएक्शन की? देखो, मैं समझना कि सब बिट्टा जी उन्होंने पार्टी के तेल नहीं पाना चाहिए। उन्होंने जो हालात कितने समय पंजाब औखे हालात चो गुजरिया, वो हूँ जे सुख का सह आया, जे शांति आई आ, जे अमन भाईचारा प्यार आपसी होर बढ़िया, तो उसके विच हुण कड़कन नहीं पानी चाहिए, जहर नहीं पानी चाहिए, तकरार नहीं पैदा करना चाहिए, टकरा नहीं पैदा करना चाहिए, बल्कि सिस्टम के भी तो विश्वास रखना चाहिए। जे असी किसी दूजे से तवक्को करते हैं कि सिस्टम च रहे, कानून च रहे, तो सानू मसला आप ही उस कानून सिस्टम की कदर करनी चाहिए। अज देश का कानून कहता कि जो मानयोग अदालत सजा सुनाउंदियां ने, वो सुनाई हुई सजा कोई व्यक्ति भावें कितना बड़े तो बड़ा कोई गुनाहगार हो, जो सुनाई हुई सजा पूरी कर लैंदा तां जेल तो बाहर आउंदा। ते इह जिहड़े बंदे भाई श्री अंदर ने एक बंदी, उन्हां दा की मतलब कसूर है कि वह देश के कानून विधान परंपरावां तो छिके टांके उन्होंने जेल च रखा गया हो, जे उन्हां दी रिहाई लई जथेदार श्री अकाल तख्त साहब ने सिख कौम नूं आवाज मारी होवे, बिट्टा जी नूं नाराजगी होवे, बिट्टा जी इस किस्म दे तंज कसण, ते उन्हां दी बयान जिहड़े ने उह कड़कण भी पैदा करते ने, टकराव भी पैदा करते ने, और इस किस्म दा माहौल पैदा करना मैं नहीं समझदा कोई देश दे हित जां लोकां दे हित जां समाज दे हित होंदा। तो बिट्टा साहब नूं मैं समझदा कि वो ये गल्लां करनियां तो बयानबाजी करन तो गुरेज करना चाहीदा, बल्कि एक गल से आना चाहिए कि तेन पुछो अगे वधिया माहौल चलिए, ताकि इस तनाव विचों असीं निकलीए, टकराव चों असीं निकलीए। बिल्कुल चंदू माजरा साहब, इसे साडे नाल गलबात करन दे लई श्रोमणी अकाली दल तो तुसीं बने होए हो, ते भाजपा तो साडे नाल हरजीत सिंह गरेवाल जुड़ चुके ने। गरेवाल साहब, बहुत स्वागत है तुहाडा। गरेवाल साहब, बिट्टा होरां ने मौत दे सौदागर कहा बंदी सिंघां नूं, जो अपनियां सजावां पूरियां कर चुके ने, उन्होंने तमाम पोस्टरां नूं लैके भी गल कही है, फिलहाल इन्हां बयानां नाल किन्नी वाकफियत रखते हो? देखो, पहला जिहड़े एक्शन उन्होंने कीते ने जिंदगी दे विच, उह तां जरूर गलत सी, मैं तां उन्हां नाल सहमत हो नहीं सकदा, और कोई भी अमन पसंद ते कानून च विश्वास रखण वाला व्यक्ति जिहड़ा उह नहीं कहेगा। पता नहीं असीं कौम नूं कहिड़ी दिशा देना चाहुंदे। ठीक है, जिन्हां दीआं सजा पूरियां हो गईआं उन्हां दी रिहाई किसी भी कौम का होवे, बंदी सिंघां दा की मतलब है इहदे च, किसी भी कौम का होवे, और अगर कानून उस दे लई इजाजत दिंदा तां जरूर उन्हां समत गवार हर किसी नाल होना चाहीदा, इह जरूर मैं कहना। पर कोई इस तरह का नहीं कि असीं उन्हां नूं किसी धार्मिक हस्ती के रूप च मन लीए। ये ठीक है भी साडी कौम दे विच कुछ लोगों ने ऐसी सोच सियासत तो प्रेरित बनाई है, कोई मैं इन्हों कमां नूं किसी नूं मारन नूं गुरु नानक का फलसफा भी अच्छा नहीं कहता है, वह तो गुरु नानक का जिहड़ा फलसफा वो तो नानक नीवा जो चले लागे ना ताती वाह, तो आ इस करके मैं समझदा कि मानवता की सेवा दे लई आ, सेवा ते सिमरन का सिद्धांत आ, ते मैं ये जी चीजा ने इन दे ज्यादा नहीं सानू पैना चाहिए। बाकी जेडे लोग इन ग्लोरीफाई करते हैं वह भी अच्छी गल नहीं है, ताकि असी बच्चों की प्रेरणा देना चाहते हैं, नौजवानों की सेहत देना चाहते हैं, ये सानू सोचना पेगा। हाँ, जिन्हों की सजा पूरी हो गई उन्होंने रिहाई हो जाए, ये अच्छी गल है, और वो सारिया कौम जे अगर मुसलमान भी है कोई, अगर हिंदू भी है कोई, अगर क्रिश्चियन भी है कोई, उसकी सजा पूरी हो गई है। कानून इस गल लई कहिंदा कि इन्हां नूं रिहाई होवे, तां उहदे च जदों असीं बंदी सिंघां दा इनारा लाउण लग जांदे आ, मैनूं नहीं समझ आउंदा कि गुरु नानक ने तां इह कहा ही नहीं, उन्हां ने तां सारिआं नूं बराबर मन्नण दी गल कीती आ। बिल्कुल, जाहिर तौर ते फिलहाल इन्हां तमाम मामलिआं ते सियासत खूब गरमा रही है, अंजाम की होएगा इह फिलहाल बिल्कुल भी कह पाणा आसान नहीं है, संभव भी नहीं जापदा। बहुत शुक्रिया चंदू माजरा साहब तुहाडा भी, ते गरेवाल साहब तुहाडा भी, धन्नवाद। सो फिलहाल बंदी सिंघां दी रिहाई दे मसले ते मनजिंदर सिंह बिट्टा दा ए बयान।
मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जिन्हां ने कहा कि बंदी सिंघां ने कई घरां दे सुहाग उजाड़े ने, उन्होंने बंदी सिंघां नूं मौत दा सौदागर दस्सिया।